हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप उन पैसी कंपनी के फाउंडी मेंबर हैं, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अभी यहाँ पे दोस्तों बात करें उन पैसी कंपनी के अपडेट की, तो जो फाउंडर हैं, अगर आप देखेंगे दोस्तों, आज के टाइम में जो फाउंडर हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। और जो फाउंडर हैं, फाउंडर का नेगेटिव होना एक टाइप से जायज़ है यहाँ पर, क्योंकि फाउंडर को यहाँ पर ऑलमोस्ट कंपनी का फाउंडर बने हुए 5 साल होने वाले हैं। ठीक है, कंपनी को ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं, बट फाउंडर ने यहाँ से आज तक 1 रुपया भी यहाँ पे इनको नहीं करा है। इसलिए जो फाउंडर है यहाँ पे नेगेटिव हो रहे हैं। अभी फाउंडर के पास एक वेबसाइट था, वो भी यहाँ पे रन नहीं कर रहा है, वो भी यहाँ पे अपडेट के ऊपर है, इसलिए फाउंडर जो है नेगेटिव हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो बहुत से लोगों के यहाँ पे नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो यहाँ पे एक विशाल जी करके हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो कंपनी है, कंपनी के जो सीईओ हैं वो भाग चुके हैं। ठीक है, और जो कंपनी है 10 अक्टूबर से बाद भी यहाँ पे चालू नहीं होने वाली है, जो कंपनी है नेक्स्ट जन्म में यहाँ पे चालू होने वाली है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं। बहुत से लोगों का जो कमेंट है सारे के सारे नेगेटिव हैं। नीचे ये भाई लिख रहे हैं, सुनील कुमार जी, कि जो कंपनी है, कंपनी एक सिर्फ जुमला है। ठीक है, और कुछ लोग तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो यूट्यूबर हैं, बहुत से यूट्यूबर जो हैं कंपनी के बारे में कंपनी की सिर्फ तारीफ करते हैं, जो लोग हैं कंपनी की सिर्फ और सिर्फ तारीफ करते हैं, कंपनी के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरे पास जो भी जानकारी होती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मानता हूँ कि कंपनी के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो पब्लिक है, मेरे अकॉर्डिंग तो जो यूट्यूबर है उसके लिए पब्लिक मायने रखती है, ना कि कंपनी। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो हम अच्छा बोलेंगे, अगर कंपनी गलत करेगी तो कंपनी के लिए गलत बोलना है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं सामने लेके आनी है। तो दोस्तों मेरा ऐसा नहीं है, जो भी गलत होगा आपके साथ शेयर करा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिस्टर एस हैं, ऑलरेडी पहले 2 कंपनी में उनका काम था, यानी कि उन्होंने 2 कंपनी खोली थी, तो वहाँ पर कुछ कारणों से जो कंपनी है बंद करनी पड़ी है। ठीक है, अभी जो मिस्टर एस हैं उनका जो ओन पैसिव है, ओन पैसिव तीसरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि जो ओन पैसिव है, ओन पैसिव से पहले मिस्टर जो एस हैं कंपनी के जो सीईओ मिस्टर एस, उनकी पहले कौन कौन सी कंपनी में पार्टनरशिप थी, हिस्सेदारी थी, कौन सी कंपनी के सीईओ थे पहले, इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव होते हैं इन चीज़ों को लेके, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे नेगेटिव हो रहे हैं, मैं मानता हूँ आपने यहाँ पे नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आपका नेगेटिव होना भी यहाँ पे जायज़ है, क्योंकि जो कंपनी है अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। अभी कंपनी ने बोला था कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कंपनी की जो वेबसाइट है यहाँ पर चलने वाली है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2-3 दिन बाकी हैं और 10 तारीख को। बट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए, अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कंपनी ने जो टाइमलाइन दी है उसका तो वेट करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं होता है तो फिर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे नेगेटिव होने वाले हैं, जो लोग यहाँ पे बचे हैं वो भी यहाँ पे नेगेटिव होने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कि जो कंपनी है 10 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पर लॉन्च होगी, उसका जो वेबसाइट है यहाँ पर लॉन्च होगा या नहीं होगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए होगा या नहीं। ठीक है, यस या नो में आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा ऐसा नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि बहुत से जो यूट्यूबर हैं कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं या फिर कंपनी के लिए झूठ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं दोस्तों। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने होंगी, अगर गलत करेगी कंपनी तो गलत बोलेंगे, और अगर अच्छा करेगी तो अच्छा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।